ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कुश्ती खिलाड़ियों से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मुलाकात की। ये मीटिंग करीब पौने चार घंटे तक चलती रही। सूत्रों की माने तो खेल मंत्री ने खिलाड़ियों की सभी बातों को अच्छे से सुना और न्याय का भरोसा दिया। सूत्रों ने यह भी बताया कि खेल मंत्री ने खिलाड़ियों को एक प्रस्ताव दिया है, उस प्रस्ताव पर विचार करने को कहा है। विचार के बाद आज फिर खेल मंत्री और खिलाड़ियों की बैठक होगी, उसके बाद ही आगे कुछ ठोस फैसला होगा। पहले राउंड मीटिंग के बाद भी खिलाड़ी धरना खत्म नहीं करेंगे, आज भी उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। कुश्ती संघ के प्रमुख ब्रिजभूषण शरण सिंह पर जो आरोप महिला खिलाड़ियों ने लगाए वो गंभीर है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इन आरोपों को गंभीर माना। मामले को लेकर खेल मंत्रालय कितना गंभीर है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अनुराग ठाकुर चंडीगढ़ से वापस दिल्ली लौट आए और खिलाड़ियों से मिलकर समाधान में जुट गए। उधर ब्रिजभूषण शरण सिंह ने एक बार फिर आरोपों को खारिज कर दिया है। आज तक से बातचीत में ब्रिजभूषण ने कहा कि मैं अपने पद से इस्तीफा नहीं दूंगा, जबकि उन पर आरोप लगाने वाले खिलाड़ी ब्रिजभूषण के इस्तीफे पर अड़ गए हैं। आज से जम्मू कश्मीर में राहुल की पैदल यात्रा शुरू होगी। जम्मू कश्मीर में ये यात्रा राख जफर तक जाएगी। इससे पहले कल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पंजाब से जम्मू कश्मीर पहुंच गई। उन्होंने पठानकोट में जनसभा की और फिर लखनपुर के रास्ते वो कठुआ में एंटर हुए। पठानकोट के जनसभा में राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि तीन काले कानून से जो किसानों के साथ हुआ वही अग्निवीर योजना से जवानों के साथ किया गया। भारत जोड़ो यात्रा का जम्मू कश्मीर आखिरी पड़ाव है और 30 जनवरी महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर समाप्त होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई को 38,800 करोड़ रुपए से ज्यादा का तोहफा दिया। उन्होंने कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने मुंबई मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया। इसमें अंधेरी से दहीसर तक फैला 35 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर भी शामिल है। पीएम मोदी ने मेट्रो में सफर भी किया, वो मेट्रो कर्मचारियों से मिले। मुंबई से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के यादगिरी में थे, जहां उन्होंने 10,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान पीएम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकार ने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की है, जबकि हमारी सरकार की प्राथमिकता विकास है। जेपी नड्डा आज यूपी के गाजीपुर में जनसभा करेंगे, जहां वो मुख्तार अंसारी के गढ़ में हुंकार भरेंगे। इससे पहले कल एक्सटेंशन मिलने के बाद बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने नदिया जिले में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि दीदी ने पश्चिम बंगाल को जंगल राज में तब्दील कर दिया और भारतीय जनता पार्टी यहां सरकार बनाकर जंगल राज को जरूर खत्म करेगी। इससे पहले जेपी नड्डा ने नदिया में स्थित विश्व प्रसिद्ध इस्कॉन मंदिर में पूजा अर्चना की। दिल्ली महिला आयोग के प्रमुख स्वाति मालीवाल को नशे में धुत एक कार ड्राइवर ने करीब 15 मीटर तक घसीटा। घटना बुधवार देर रात एम्स हॉस्पिटल के पास की है, जब वो दिल्ली की सड़कों पर महिला सुरक्षा के हालात का जायजा ले रही थी, तो नशे में धुत एक कार ड्राइवर उनके पास आया और अपनी कार में उनसे बैठने की जिद करने लगा। जब स्वाति ने मना कर दिया तो वो कार लेकर आगे चला गया, लेकिन 10 मिनट बाद फिर यू टर्न लेकर आया और बगल में चलने लगा। जब स्वाति उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ी तो उसने गाड़ी के शीशे बंद कर दिए। इस दौरान स्वाति का हाथ शीशे में फंस गया, लेकिन आरोपी रुका नहीं। वो करीब 15 मीटर तक स्वाति को घसीटता रहा। पुलिस ने आरोपी हरीश चंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना को लेकर स्वाति ने कहा कि उनके साथ अंजलि जैसा हादसा होने वाला था। केदारनाथ में एक बार फिर से बर्फबारी का दौर शुरू हो गया। केदारनाथ धाम में रुक रुक कर लगातार बर्फबारी जारी है। बर्फबारी के बाद धाम का नजारा काफी अच्छा दिख रहा है। हरी भरी दिखने वाली केदारपुरी इन दिनों सफेद नजर आ रही है। केदारनाथ धाम से बहने वाली मंदाकिनी नदी के बीच में भी बर्फ जम गई। केदारपुरी में स्थित सभी होटल और धर्मशालाएं भी बर्फ से ढकी हुई हैं। दिसंबर महीने तक जहां धाम में बर्फबारी नहीं हो रही थी, वहीं इस महीने धाम में लगातार बर्फबारी हो रही है। धाम में चल रहा पुनर्निर्माण कार्य पहले ही बंद हो चुका है। फतेहपुर में आज मौसम में बदलाव आया है। मौसम विभाग की अगर माने तो 26 जनवरी तक बारिश की संभावना है।
शेखावटी के फतेहपुर में पारा -2.2 डिग्री दर्ज हुआ। मौसम विभाग के अनुसार नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश में बादल छाने और शीतलहर में कमी के आसार हैं। इससे तापमान में कमी दर्ज होगी और 22 जनवरी से प्रदेश के कुछ जिलों में बरसात भी होगी। फतेहपुर में बुधवार रात से शीतलहर की रफ्तार में कमी आई है, जिससे न्यूनतम तापमान में करीब 2 डिग्री का उछाल आया, लेकिन तापमान जमाव बिंदु से नीचे होने के कारण सुबह फसलों पर बर्फ जमी नजर आ रही है। दोपहर तक हवाएं थमने के कारण धूप ने कुछ राहत दी और दोपहर बाद हवाएं चलने से सर्दी बढ़ने लगी। भदोही में एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी और लड़की काफी दिनों से एक दूसरे के संपर्क में थे। घटना वाले दिन आरोपी ने किशोरी को फोन कर मिलने के लिए बुलाया। किशोरी अपने परिवार की एक लड़की के साथ युवक से मिलने खेत के पास गई, जहां आरोपी ने उसके सिर में तमंचे से गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी को लगता था कि किशोरी उसके अलावा किसी और से भी बात करती है और इसी शक में उसने किशोरी की गोली मारकर जान ले ली। आरोपी ने पूरा प्लान पहले से ही बना लिया था और मिर्जापुर में किसी से अवैध तमंचा भी खरीदा था। पुलिस ने मुख्य आरोपी और सहयोग करने वाले उसके भाई दोनों को तमंचे के साथ मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। बस्ती में छात्रा का अपहरण और दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़िता के परिवार वालों का कहना है कि उसे कार से घर के पास लाकर फेंक दिया गया। परिजनों ने पीड़िता को बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती कराया और पुलिस को सूचना दी। आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। छात्रा के पिता ने पुलिस को तहरीर दी कि उसकी 17 साल की बेटी 12वीं की छात्रा है, वो परीक्षा देने विद्यालय जा रही थी, तभी आरोपी ने उसका अपहरण कर लिया। साथ ही धमकी दी कि किसी से कुछ बताया तो जान से मार देगा। फिलहाल पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। गाजियाबाद पुलिस ने तसीरुद्दीन नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है, जिस पर आरोप है कि वो थूक लगाकर रोटी बनाता था। वीडियो में दिख रहा है कि आरोपी तंदूर में रोटी लगाने से पहले उस पर थूकता दिखता है। हिंदू रक्षा दल ने इसका वीडियो बनाया और फिर वायरल किया। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 269-270 एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। हिंदू दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी का कहना है कि क्या बिना मालिक की जानकारी के ऐसा संभव हो सकता है। फिरोजाबाद में 22 साल के शख्स की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक के शरीर को धारदार हथियार से काटकर हत्या की गई। मामले पर पहुंचे पुलिस ने लोगों से बात कर पता लगाया कि मृतक की मां, पिता और भाई एक हत्या के मामले में जेल में बंद है। दरअसल मृतक के बड़े भाई की पत्नी की मौत हो गई थी, जिसमें हत्या का आरोप मृतक के परिवार पर लगा। मृतक मौसी के घर पर रहता था, जब वो घर से निकला तो वापस ही नहीं आया और सुबह उसका शव बरामद हुआ।